हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुमिता अरोड़ा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। चलिए फिर आज भी किचन में चलते हैं और एकदम ही जबरदस्त डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी बनाते हैं। आलू प्याज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू को बॉईल करना है। पानी पहले से ही रखा हुआ है, अच्छा गर्म हो गया है, इसमें आलू डाल देते हैं। ये सब्जी को बनाने के लिए आपको छोटे वाले आलू चाहिए, जो बेबी पोटैटोज होते हैं। थ्री हंड्रेड ग्राम्स मैंने आलू लिए हैं और इसमें वन टीस्पून नमक डाल देते हैं। एक बार मिक्स कर देते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली ये सब्जी है और आपको बहुत ही पसंद आएगी, आप पूरी वीडियो देखें। चलिए इसको 5 मिनट्स के लिए हम कुक कर लेते हैं ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट्स हो गए कुक होते हुए आलू को, बस इससे ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इनको निकाल देते हैं। और इनका हमने कोई छिलका नहीं निकाला, आप अच्छे से इनको धो लें बॉईल करने से पहले। छिलके के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी खाने में। चलिए ये सारे मैं निकाल लेती हूँ, फिर आगे सब्जी बनाते हैं। अब आगे सब्जी बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद तो आप कोई और ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें बनाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी इसमें आपको। ये ऑयल को मैंने जला के ठंडा करके वापस गर्म किया है ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। अब इसमें एक तेज पत्ता डाल देते हैं और साथ ही इसमें लहसुन डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ। 3 हरी मिर्ची डाल देंगे, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट किया हुआ है। और 2 इंच अदरक का मैंने टुकड़ा लिया था, उसको मैंने ऐसे जूलियंस में कटिंग कर दिया है, ये मैं डाल देती हूँ। चलिए ये मिक्स कर देते हैं और सारी चीज़ों को भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। आलू तो वैसे ही सबके फेवरेट होते हैं और अभी तो सीजन में है छोटे साइज़ के आलू और प्याज। प्याज भी मैं इसमें छोटे वाला ही यूज़ करूँगी, इनका अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। इसको आप परौंठे के साथ खा लें या राइस के साथ खा लें, और मेन ये है कि जल्दी से बन जाती है। चलिए 1 मिनट हो गए ये सब भूनते हुए, अभी इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेंगे 3-4 मिनट के लिए। 4 मिनट करीब हो गए आलू को ऐसे कुक होते हुए, अभी इसमें छोटे साइज के प्याज डाल देंगे। इनको भी मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया और ऐसी साबुती डाल दी है, मिक्स कर देते हैं। और प्याज मैंने 250 ग्राम लिए हैं, 2-3 मिनट ऐसे प्याज के साथ भी भून लेते हैं। 3 मिनट करीब हो गए प्याज के साथ भी कुक करते हुए, अभी इसमें टमाटर की प्योरी ऐड करेंगे। 3 मैंने टमाटर को पीस लिया था वो डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। फ्रेश वाले टमाटर की आप प्योरी यूज़ करें, जो रेडीमेड वाली आती है वो ना आप इसमें डाल दें, उससे टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। चलिए 5 मिनट और ऐसे कुक कर लेते हैं ताकि टमाटर का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 5 मिनट हो गए कुक होते हुए, इस टाइम आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया, ये अच्छे से कुक हो गया टमाटर। अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और साथ ही इसमें 1/4 कप दही ऐड करेंगे, इसको आप अच्छे से फेंट लें पहले। चलिए मिक्स कर देते हैं एक बार, देखिए कितनी जबरदस्त ये लग रही है सब्जी। चलिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, अभी फ्लेम स्लो कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं और 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही कुक करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से आपस में रच जाएं। 10 मिनट हो गए हैं कुक करते हुए, चलिए अभी खोलते हैं। खोलते ही क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है और आप देखिए सब्जी भी कितनी मज़े की लग रही है देखने में ही, जबकि हमने कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करे। एक बार मिक्स कर लेते हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया, इसका मतलब अच्छे से मसाला भुन गया। चलिए अभी फ्लेम ऑफ कर देते हैं, हरा धनिया डाल देते हैं इसके ऊपर। आप इसको बनाएं, ट्राई करें और फिर मेरे को कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी। फिर मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।